नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है शंकुनाथ मिश्रा। दोस्तों, आज हम लोग प्रोविजनल फैमिली पेंशन के बारे में बात करेंगे। प्रोविजनल फैमिली पेंशन यानी कि जो फैमिली पेंशन अस्थायी रूप से चालू की जाती है, जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिस के एंड से ही शुरू हो जाता है। अगर सरकारी कर्मचारी का इन सर्विस डेथ हो जाता है तो प्रोविजनल फैमिली पेंशन चालू करने का प्रावधान बनाया गया है। और प्रोविजनल फैमिली पेंशन चालू करने के लिए पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी यानी कि सरकारी कर्मचारी का हेड ऑफ ऑफिस उनके हित में पेंशन सैंक्शन इशू करेंगे और जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिस को भेज देंगे। उसके बाद पे एंड अकाउंट्स ऑफिस अस्थायी रूप से इनके फैमिली पेंशन चालू करेंगे। और प्रोविजनल फैमिली पेंशन चालू करने के लिए सीसीएस पेंशन रूल्स के रूल 80A को फॉलो की जाती है। रूल 80A पे ये आधारित है कि सरकारी कर्मचारी का अगर इन सर्विस डेथ हो जाता है तो फैमिली मेंबर को किसी भी प्रकार के हार्डशिप का सामना ना करना पड़े, इसीलिए प्रोविजनल फैमिली पेंशन इमीडिएटली चालू कर देना है। मगर दोस्तों, प्रोविजनल फैमिली पेंशन चालू करने का जो प्रक्रिया है वो भी एक तरह से बहुत ही लेंदी है। यहाँ पर पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी यानी कि हेड ऑफ ऑफिस क्लेमेंट से फॉर्म 14 मांगते हैं, फॉर्म 18 मांगते हैं, अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, फिर वो कंसुलेट करके और नेसेसरी जो फॉर्मेट एनेक्सर्स है उसको फिल इन करके हेड ऑफ ऑफिस उसको पे एंड अकाउंट्स ऑफिस में भेजा जाता है। पे एंड अकाउंट ऑफिस इस पूरे चीज को बारीकी से स्क्रूटनी करते हैं, फिर जाके एलिजिबल क्लेमेंट को यानी कि फैमिली पेंशनर को जो एलिजिबल है फैमिली पेंशन पाने के लिए उनके हित में प्रोविजनल फैमिली पेंशन सैंक्शन की जाती है। मगर दोस्तों, 29 जुलाई 2020 को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया है जहां पर उन्होंने कहा कि अब से यानी कि 29 जुलाई 2020 से रूल 80A का जो प्रावधान है उसको रिलैक्स कर दिया जा रहा है। जैसे कि रूल 80A में कहा गया है कि प्रोविजनल फैमिली पेंशन चालू करने के पहले एलिजिबल क्लेमेंट से फॉर्म 18 फिल इन करवाना है, फॉर्म 14 फिल इन करना है, रिलेवेंट दस्तावेज यानी डिक्लेरेशन एफिडेविट ये लेना है, फिर जाके ये कंसोलिडेट करके पे एंड अकाउंट्स में पे एंड अकाउंट्स ऑफिस में भेज देना है। ये जो पूरा प्रक्रिया है ये बहुत लेंदी है और इसको अब से एबोलिश की जा रही है। 29 जुलाई 2020 के ऑफिस मेमोरेंडम में ये भी कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी उनका अगर कार्यकाल एक साल भी पूरा ना हो और उनके इन सर्विस एक साल के भीतर ही इन सर्विस डेथ हो जाते हैं तो भी फैमिली पेंशनर को फैमिली पेंशन मिलेगी, बशर्ते सरकारी कर्मचारी का कोई कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी द्वारा मेडिकली फिट उसको घोषित कर दिया गया था उनके मृत्यु से पहले, तो भी फैमिली पेंशन सरकारी कर्मचारी का एलिजिबल क्लेमेंट को मिलता है। और इसीलिए डिजीज गवर्नमेंट एम्प्लॉई का एलिजिबल फैमिली मेंबर्स के हित में फैमिली पेंशन चालू करने के लिए सरकारी कर्मचारी का यानी कि डिजीज गवर्नमेंट एम्प्लॉई का लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इतना अहम नहीं है। मगर दोस्तों, डेथ ग्रेचुटी के लिए लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने कहा कि सरकारी कर्मचारी का उनके कार्यकाल का एक साल पूरा होने से पहले ही अगर उनका देहांत हो जाता है फिर भी उनके एलिजिबल फैमिली मेंबर्स को फैमिली पेंशन दी जाएगी, ये सीसीएस पेंशन रूल्स के रूल 54 सब रूल 2 के पैरा 2 में मेंशन किया गया है। और इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान पे रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 29 जुलाई 2020 के ऑफिस मेमोरेंडम में स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब से यानी कि 29 जुलाई 2020 से प्रोविजनल फैमिली पेंशन सैंक्शन करने के लिए पेंशन सैंक्शन अथॉरिटी यानी कि डिजीज गवर्नमेंट एम्प्लॉई का हेड ऑफ ऑफिस क्लेमेंट से एलिजिबल क्लेमेंट से केवल फॉर्म 14 लेंगे, डिजीज गवर्नमेंट एम्प्लॉई का डेथ सर्टिफिकेट लेंगे और बैंक अकाउंट डिटेल्स लेंगे। और एलिजिबल क्लेमेंट के हित पे प्रोविजनल फैमिली पेंशन चालू करने के लिए जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो एनेक्सर्स है उसको फिल इन करके हेड ऑफ ऑफिस पे एंड अकाउंट्स ऑफिस को भेज देंगे। पे एंड अकाउंट्स ऑफिस हेड ऑफ ऑफिस द्वारा सैंक्शन किया गया प्रोविजनल फैमिली पेंशन के बेसिस में ही क्लेमेंट को प्रोविजनल फैमिली पेंशन देना शुरू कर देंगे। और प्रोविजनल फैमिली पेंशन किसी भी सर्कमस्टेंसेस में मैक्सिमम फैमिली पेंशन से ज्यादा नहीं होगा जो सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 जो सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। अगर किसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाता है उनके फाइनल ऑपरेशन कैजुअलिटी रिपोर्ट का अपेक्षा नहीं की जाएगी। मृत सीएपीएफ पर्सनल के एलिजिबल फैमिली मेंबर्स जो प्रोविजनल फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल है उनको भी प्रोविजनल फैमिली पेंशन यही ऑफिस मेमोरेंडम को बेस करके उनके हेड ऑफ ऑफिस को उनके पे एंड अकाउंट ऑफिस में भेज देना है और पे एंड अकाउंट ऑफिस के एंड से उनके फैमिली मेंबर को भी प्रोविजनल फैमिली पेंशन चालू हो जाएगा। इस ऑफिस मेमोरेंडम में ये भी कहा गया है कि पे एंड अकाउंट ऑफिस डिजीज गवर्नमेंट एम्प्लॉई के हेड ऑफ ऑफिस से जो पेंशन सैंक्शन ऑर्डर उनको मिलता है
उनके अलावा और किसी भी प्रकार के दस्तावेज वो लोग आस्क नहीं करेंगे, जैसे कि सर्विस बुक और आधार रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स का जरूरत यहाँ पर नहीं है। जो स्पेसिफिक फॉर्मेट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारण किया गया है उसी के बेसिस पे उनके प्रोविजनल फैमिली पेंशन चालू कर देगा। मगर दोस्तों प्रोविजनल डेथ ग्रेचुटी और डेथ ग्रेचुटी के लिए CCS पेंशन रूल्स के रूल 80A में जो कहा गया है उसी को फॉलो की जाएगी, मगर प्रोविजनल फैमिली पेंशन चालू करने के लिए रूल 80A को अब से रिलैक्स कर दिया गया, ये एबोलिश हो गया है। यहाँ पर पे एंड अकाउंट्स ऑफिस को क्या करना है, उनको जो एलिजिबल क्लेमेंट है, जो एलिजिबल फैमिली पेंशनर है, उनके हित में जब भी वो फैमिली पेंशन ऑर्डर इशू करेंगे वहां पर पे एंड अकाउंट्स ऑफिस ये मेंशन करेगा कि इनको कब से प्रोविजनल फैमिली पेंशन दी जा रही है, नहीं तो कब से प्रोविजनल फैमिली पेंशन दी जाएगी, कब तक प्रोविजनल फैमिली पेंशन दी जाएगी और इनका फाइनल फैमिली पेंशन कब से चालू हो सकता है। दोस्तों किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में प्रोविजनल फैमिली पेंशन 6 महीने से ज्यादा एक्सटेंड नहीं की जाएगी, और अगर 6 महीने के अंदर एलिजिबल क्लेमेंट का फाइनल फैमिली पेंशन का जो पेपर है, जो केस है, वो प्रिपेयर नहीं होता है तो उनके प्रोविजनल फैमिली पेंशन को फिर से 6 महीने के लिए ही एक्सटेंड की जाएगी। ये सब कुछ हो जाने के बाद जब पे एंड अकाउंट्स ऑफिस फाइनल फैमिली पेंशन का डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, फाइनल फैमिली पेंशन प्रिपेयर करेंगे और एलिजिबल फैमिली पेंशनर के हित पे पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू करेंगे, तब भी उस डेट से 2 महीने तक प्रोविजनल फैमिली पेंशन दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर थोड़ा आप लोग जान लीजिए कि पे एंड अकाउंट ऑफिस सारे कागजात प्रिपेयर करने के बाद इनके पीपीओ को, पेंशन पेमेंट ऑर्डर बुक को, अगर सिविल पेंशन हो तो सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस भेज देता है जो न्यू दिल्ली में स्थापित है। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस का भी अपना कुछ फॉर्मेलिटीज रहता है और सारे फॉर्मेलिटीज को गो थ्रू करने के बाद CPAO स्पेशल सील अथॉरिटी इशू करता है, नहीं तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर को CPPC में, यानी कि एलिजिबल फैमिली मेंबर के बैंक ब्रांच के जो CPPC है, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पोस्टिंग सेंटर, वहां भेज देता है। CPPC का भी कुछ अपना फॉर्मेलिटीज रहता है और उसके बाद CPPC पेंशन पेइंग ब्रांच में हर एक महीने एलिजिबल फैमिली मेंबर के फैमिली पेंशन क्रेडिट करते हैं और इस सारे प्रक्रिया में कुछ महीने बीत जाते हैं और इसीलिए इस ऑफिस मेमोरेंडम में ये भी कहा गया है कि फाइनल फैमिली पेंशन का कागजात जब प्रिपेयर हो जाएगा फिर भी 2 महीने तक प्रोविजनल फैमिली पेंशन दी जाएगी ताकि प्रोविजनल फैमिली पेंशन स्मूथली रन हो और पूरी तरह से सब डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो जाने के बाद ही फाइनल फैमिली पेंशन एलिजिबल फैमिली मेंबर्स के हित में क्रेडिट हो जाएगी। दोस्तों स्क्रीन पे देखिए आप लोग ग्रांट ऑफ प्रोविजनल फैमिली पेंशन का जो फॉर्मेट है, जो हेड ऑफ ऑफिस द्वारा इशू होता है, वो आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा है। अगर इसका सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को चाहिए तो कृपया मुझे ईमेल कीजिए, मैं अपना ईमेल आईडी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अगर आपको इस तरह का कोई सिचुएशन फेस करना पड़ता है जहां पर सरकारी कर्मचारी का इन सर्विस देहांत हो चुका है और आपको, यानी कि एलिजिबल फैमिली मेंबर को जो फैमिली पेंशन पाने के लिए हकदार है, उनको ये कहा जा रहा है कि ये पूरा प्रक्रिया बहुत ही लंबा है, आप 1 साल वेट कीजिए फिर आपका फैमिली पेंशन चालू हो जाएगा, कृपया आप लोग इस ऑफिस मेमोरेंडम को कंसर्न अथॉरिटी को दिखाइए। आप कहिए कि साहब रूल ये नहीं है, रूल पे ये कहा गया है कि प्रोविजनल फैमिली पेंशन फैमिली मेंबर्स का हार्डशिप को सामना ना करना पड़े, इसीलिए 29 जुलाई 2020 को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने यह ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया है और आप इसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। और इसके साथ साथ आज के वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे कि प्रोविजनल फैमिली पेंशन क्या है और प्रोविजनल फैमिली पेंशन के रिगार्डिंग सरकार का क्या रूल है। आपको अगर कोई भी किसी भी तरह से मिसगाइड करता है तो कृपया आप लोग मिसगाइडेड ना हो, इस ऑफिस मेमोरेंडम को कंसर्न अथॉरिटी के नोटिस पे लाइए ताकि आपको आपके हक जल्दी से मिले। इसी तरह आने वाले दिन पे पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड और भी अपडेट्स के लिए, पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, रूल्स के बारे में जानने के लिए, पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को देखते रहिए। यूट्यूब थैंक्स के माध्यम से आप लोग छोटी मोटी कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे चैनल को कर सकते हैं ताकि मेरे चैनल और मेरा टीम सस्टेन कर पाए और मैं इसी तरह आप लोगों को फैमिली पेंशन के बारे में असिस्ट कर पाऊं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।